जय हिंद साथियों, वेलकम है आपको अपना फिटनेस चैनल रॉयस फिटनेस में, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड नई नई जानकारियां और नई नई टेक्निक। दोस्तों, हर बार जैसा इस बार भी मैं हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। जी हां, तो आज मैं आपको बताऊंगा रनिंग के समय सांस फूलने के कारण और उनसे बचने के उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आप लोगों के पास। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को रनिंग के समय सांस फूलने की कारण क्या है, हमारे क्यों सांस फूलता है रनिंग के टाइम पर। दोस्तों, रनिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको शरीर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब नॉर्मल टाइम में आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन ज़रूरत होती है उतने आप सांस लेने से ही उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जैसे आप रनिंग स्टार्ट कर देते हो तब आपका जो हार्ट है ये बहुत जल्दी पंप होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम क्या है, आपका बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितना आपका बॉडी ऑक्सीजन डिमांड करता है उतना अगर उसको नहीं मिल पाता है तब सांस फूलना शुरू होता है। जैसे आप काफ़ी दिनों के बाद अगर दौड़ रहे हो तब आपका सांस फूलेगा, या आप मान लो कि कोई ग्रुप में दौड़ रहे हो तो ग्रुप में दौड़ते दौड़ते आपका ग्रुप का कोई एक बंदा आगे निकल जाता है तो आप उसको उसके पीछे पीछे भागने लगते हो उसको पकड़ने के लिए। तो इस टाइम क्या है, उसको पकड़ने के लिए आपको ज़्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप ज़्यादा इफोर्ट लगाओगे तो आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, तो जैसे आपका हार्ट बीट तेज़ होगा तो आपका बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करेगा तभी आपका सांस फूलेगा। लेकिन जैसे आप फिर नॉर्मल रनिंग करना शुरू कर दोगे तो आपका सांस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे तो दोस्तों रनिंग में सांस फूलना एक आम बात है, लेकिन ये समस्या अगर आपको लगातार बना रहता है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ ये सांस फूलने से बचने के उपाय। सबसे पहला आपको वार्म अप करना है। दोस्तों, कोई कोई क्या करता है, ग्राउंड में आते ही तुरंत रनिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको ग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना बॉडी को अच्छी तरह वार्म अप कर लेना है। अब बिना वार्म अप करके अगर रनिंग करना शुरू कर दोगे तो आपका सांस फूलेगा और आप जल्दी भी थक जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप रनिंग से पहले वार्म अप जरूर करें। दोस्तों, मेरा जो वार्म अप का वीडियो है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दूसरा, आप मुंह से सांस ना लें। दोस्तों, रनिंग के टाइम में हार्ट भी तेज होने के कारण कोई कोई क्या करता है, ज़्यादा सांस लेने के चक्कर में मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देता है, लेकिन आपको ये नहीं करना। आप अगर मुंह से सांस लेंगे तो आपका गला सूख जाएगा और आप जल्दी थक भी जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नाक से ही सांस लें। तीसरा, लंबी और गहरी सांस लें। जैसे आप रनिंग करते हो, रनिंग करते करते हार्ट बीट तेज होने के कारण आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हो जैसे, तो दोस्तों आपको इस तरह सांस नहीं लेना है, आपको लंबी और गहरी सांस लेना है। आप चाहे तो इस तरह ले सकते हो, दो बार सांस अंदर ले, दो बार सांस छोड़े। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो तो ना आप ऑक्सीजन ठीक से ले पाते हो और ना ही आपका जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड उसको ठीक से बाहर छोड़ सकते हो, इसलिए आप जल्दी थक सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ आप लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें। जैसे आप रनिंग करोगे दो स्टेप में एक बार सांस ले और दो स्टेप में सांस को छोड़े। आप लंबी गहरी सांस लोगे तो आपका ब्रीथिंग प्रक्रिया भी अच्छी रहेगा। चौथा पॉइंट, आपको योगा करना है। दोस्तों, आप इसमें सांस वाले योगा कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। ये प्राणायाम दोस्तों आप लोगों को रनिंग से आधा घंटा पहले 5 मिनट करना है। आप चाहे तो योगा सुबह या शाम दोनों टाइम कर सकते हो, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखना, ये खाना खाने के बाद आप योगा बिल्कुल मत करना। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, रनिंग में सांस फूलने के कारण और उससे बचने के उपाय। दोस्तों, आप जो जो मैंने टिप्स बताया आप इनको ज़रूर फॉलो करें। ये टिप्स आप फॉलो करने से आपका जो सांस का प्रॉब्लम है ये 60-70% तक आपका कम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी मेरा अगले वीडियो में, तब तक फिट रहें। जय हिंद।